हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक पांडे ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और यूजुअली मैं सुबह में ही वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या गूगल का एडसेंस का पिन आने से पेमेंट आने लगता है। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मेरा जैसे चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद में आपका गूगल से एक पिन आता है जो कि आपको क्रोम या जो भी है पीसी है उससे आपको यूट्यूब स्टूडियो गूगल एडसेंस ओपन करना पड़ता है। वहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना पड़ता है। उसके 21 डेज के अंदर में या बाद में, मेरा तो 28 डेज के अंदर 21 डेज के अंदर में आ गया था, आ जाता है आपके एड्रेस पे एक गूगल का एक पिन जो कि रहता है इस टाइप का। यहाँ पे रहता है आपका एड्रेस मेंशन और बस इसके अंदर में रहता है पिन। ये पिन वहाँ पे पुट करना पड़ता है। उसके बाद होता है गूगल एडसेंस वेरीफाई। गूगल एडसेंस वेरीफाई होने के बाद वीडियो जैसे जैसे आपका पॉपुलर होते जाएगा, आपके व्यूज इंक्रीज होते जाएंगे, उसके बाद आपका अर्निंग में ग्रोथ होने लगेगा। तो जैसे ही आपका $100 होगा उसके बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट आएगा। जैसा बहुत लोगों से मैंने सुना है, मुझे भी जब नॉलेज नहीं था तो बहुत लोग बोलते थे कि गूगल एडसेंस का पिन आने के बाद में जितना भी रहता है वो अर्निंग वो विड्रॉल कर सकते हैं हम लोग। बट यूट्यूब का पॉलिसी ऐसा नहीं है, एडसेंस का पॉलिसी ऐसा नहीं है। एडसेंस का पॉलिसी है कि आपका मिनिमम $100 रहना चाहिए, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करता है। और $100, देखिए जैसे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर्स के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद वो लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, बट उसे पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। सेम एडसेंस में वैसा है, एडसेंस में भी $100 पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। भाई मेरा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 8 महीना हो गया बट अभी तक $100 नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज अपलोड नहीं करता हूँ। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है या होने वाला है तो आप जो जैसे भी वीडियो डालते हैं अपना 2-3 दिन पर डे या शॉर्ट्स आपका तो डेली डाला कीजिए, रेगुलर रहिए, आपका ग्रोथ होगा। तो बस यही बताना था क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता था। और मेरा एक फ्रेंड कल हमसे पूछा था तो हम सोचे कि इस पे वीडियो बना देते हैं। तो वीडियो हो गया कंप्लीट। मिलते हैं नए वीडियो में।